हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्रैच में एक छोटी सी गेम बनाएंगे जिसमें हमारी कैट फ्लाई करेगी बिल्डिंग्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम scratch.mit.edu/ पे गए, उसके बाद हमने क्रिएट पे क्लिक करा। हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं फ्लाइंग कैट। वेट, ये धीरे धीरे लोड हो रहा है। जब तक कि लोड हो रहा है तब तक हम सोच लेते हैं कि हमारे गेम का प्लान क्या है। ये लोड हो गया है, हमको अपनी फ्लाई को कैट को हमें फ्लाई कराना है बिल्डिंग्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमको स्प्राइट लेना पड़ेगा। स्प्राइट मतलब कोई भी कैरेक्टर जिसके हम यूज़ करके गेम बना रहे हैं। तो हम अब कहें चूज स्प्राइट एनिमल्स। ये देखिए हमारे पास कैट फ्लाइंग है, हमने इसको लिया। आ गई है हमारी। उसके बाद हमें बिल्डिंग्स चाहिए क्योंकि हमने इसको बिल्डिंग्स के ऊपर ही फ्लाई कराना है। एक हमारा बैकड्रॉप बेसिकली, तो हमने बिल्डिंग्स ले ली। अब जो एक्स्ट्रा स्प्राइट है, जैसे कि ये वॉकिंग कैट है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इनकी पोजीशन सेट करते हैं। बिल्डिंग को हम नीचे रखते हैं और कैट को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। सो आप देखिए, हमने बैकड्रॉप में एक बिल्डिंग को लगा दिया और कैट हमारी ऊपर फ्लाई कर रही है। अब चलिए इसकी कोडिंग करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारी कैट बिल्डिंग्स के ऊपर फ्लाई करे, तो हम बिल्डिंग स्प्राइट के ऊपर कोड करेंगे। सबसे पहले कोड में हम क्या करेंगे, एक इवेंट डालेंगे व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड। फिर हम जो एक्स की पोजीशन है, जो कि हमारी बिल्डिंग की पोजीशन है, हम वो कम ज़्यादा करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे मोशन पे गए, सेट एक्स टू 250 एंड देन हम 250 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये एरिया होता है इसके मैक्सिमम अप लेंथ 250 होती है। तो हमने सबसे ऊपर इसको पहले हम 250 तक ऊपर ले गए, फिर हम उसको धीरे 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 करके -10 करेंगे। तो हम एक ब्लॉक लगाते हैं, रिपीट ब्लॉक, रिपीट 50 टाइम्स। चेंज एक्स बाय -10। अब समझिए हमने क्या करा कि जब हमारा, एक मिनट, इसको हम बिल्डिंग को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। जब भी हमारा फ्लैग क्लिक हो, एक्स की पोजीशन 250 सेट हो जाए और 50 टाइम्स वो -10 होती रहे। ये काम हमको बार बार करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर एवर ब्लॉक में डालेंगे। अब रन करते हैं, देखिए कि ऐसे लग रहा है ना कि आपकी कैट फ्लाई कर रही है। फुल स्क्रीन में दिखाते हैं हम आपको। एक्चुअली में हमने कैट के ऊपर कोड नहीं करा, हमने बिल्डिंग के ऊपर कोड करा है। बिल्डिंग मूव हो रही है तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो कैट है वही फ्लाई कर रही है। सो वेरी सिंपल, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में, तो आप ictbyruchi@gmail.com पे कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, आप वीडियो में कमेंट करिए। थैंक यू।